मुकुल रॉय के बारे में ममता बनर्जी ने कहा कि घर का लड़का घर वापस आ गया, लेकिन ममता ने उन पर निजी हमला करने वाले नेताओं को गद्दार बताया और कहा कि उनके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। ये मुकुल रॉय ही थे जिन्हें साल 2018 में पंचायत चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी के पीछे बताया गया था। ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी ममता की छांव लेने का सिलसिला जारी रह सकता है। बीजेपी विल कैप द पावर इन वेस्ट बंगाल फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स ऑफ द बंगाल। साल 2017 के नवंबर महीने में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले मुकुल रॉय न सिर्फ अपनी पुरानी पार्टी में लौट चुके हैं बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी में अब कोई नहीं रहेगा। हम तो बीजेपी छोड़ के तृणमूल में आया है और अभी बंगाल में जो स्थिति है ये स्थिति में कोई बीजेपी छोड़ बीजेपी में रहेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि जिस बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को चुनाव से पहले अपनी पार्टी में शामिल किया, जो उसके टिकट पर विधायक बने, क्या वो भी मुकुल रॉय के रास्ते को चुन सकते हैं? इस बारे में ममता बनर्जी से जब पूछा गया तो उनका जवाब हाँ में था। ममता ने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई बड़े चेहरे तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले सकते हैं। I do not know. Whenever the information will be coming, then we will let you know. ममता बनर्जी ने ये जवाब उनकी पार्टी के नेता सुखेंदु शेखर राय के एक ट्वीट से जुड़े सवाल पर किया, जिसमें उन्होंने मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सुखेंदु शेखर राय ने ट्वीट कर लिखा, बीजेपी का ताश के पत्तों की तरफ बिखरना तय है, बंगाल में ये जल्द होगा, आज जो हो रहा है ये इसकी शुरुआत है, बाद में बीजेपी छोड़ने वालों की संख्या की गिनती करनी मुश्किल होगी, आओ फिर से दीदी ओ दीदी कहो, बदले में अच्छा जवाब मिलेगा भाई। ममता की पार्टी के हौसले विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से सातवें आसमान पर है। ऐसा करने की छूट टीएमसी को पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आने वाली तस्वीरें दे रही है, जिसमे बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी छोड़ने के लिए माफी मांग रहे हैं। दावा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह टीएमसी से आने वाले नेता विधायक भी पछता रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस में वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। सोनाली गुहा ने चिट्ठी लिख के कहा, ये गुहार लगाई कि मुझे क्षमा कर दीजिए। दीपेंदु बिस्वास तृणमूल के एमएलए हुआ करते थे, फुटबॉलर, उन्होंने भी चिट्ठी लिख के कहा गलती हो गई है, आप वापस मुझे तृणमूल कांग्रेस में ले लीजिए। और दो चीजें देखने को मिल रहा है बीजेपी के अंदरूनी इस वक्त जो इक्वेशन है, बीजेपी के जितने भी नेता है जो तृणमूल से बीजेपी ज्वाइन किए थे वो तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ने की कोशिश में है, और बीजेपी के जो समर्थक है, जो ग्रास रूट लेवल वर्कर है, वो इस वक्त बहुत ही एक प्रिकैरियस सिचुएशन जिसे कहा जा सकता है उसमें है। लेकिन ममता ने साफ किया कि चुनाव के वक्त उन्हें छोड़कर बीजेपी में जाने वाले सभी नेताओं के लिए पार्टी के दरवाजे नहीं खुले हैं। बट आई सेड दैट हु हैव क्रिटिसाइज्ड द पार्टी लाइक एनीथिंग and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober, and who doesn't bitterness, who doesn't go for bitterness. जानकार मानते हैं कि ममता का निशाना शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ जाने वाले नेताओं पर है, जिन्होंने ममता पर तीखे हमले किए, लेकिन फिर भी मुकुल रॉय अकेले बीजेपी से लौटेंगे इसकी संभावना कम है। ये भी कहा जा रहा है कि मुकुल रॉय के साथ पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे ऐसे उनके करीबी नेताओं की बातचीत हो रही थी जो बीजेपी में गए, जिनको बीजेपी में टिकट मिला और जो बीजेपी में जीत के आए हैं एमएलए। बीजेपी के पास इस वक्त पश्चिम बंगाल में 75 एमएलए हैं और ये चैलेंज कुछ दिन पहले शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि एक भी एमएलए यहां से छोड़ के तृणमूल में नहीं जाएंगे, और यही चैलेंज, यही दावा दिलीप घोष ने भी किया है। लेकिन शुभेंदु मुकुल रॉय के करीबी माने जाने वाले कुछ एमएलए हैं जिनके साथ मुकुल रॉय की चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है, ये हमें सूत्रों के मुताबिक मालूम चल रहा है। बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी तृणमूल कांग्रेस से आने वाले कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया था, जिसमें मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और दीपक हल्दर समेत कई नेताओं की लंबी फहरिस्त है। घर वापसी किए, बाकी और आपके साथ कितने लोग आने वाले हैं
आलोचना चल रही है कि एटलीस्ट चार पांच लोग आपके साथ आने वाले थे, आज आए नहीं, कब आएंगे? लेट अस सी, वी विल सी हाउ मेनी पीपल्स आर कमिंग। लेकिन पार्टी में टूट फूट रोकने की जिम्मेदारी शुभेंदु अधिकारी ले चुके हैं। ऐसे में बीजेपी मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के फैसले को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही। कोई व्यक्ति आधारित दल नहीं है, हम लोग नीति लेकर राजनीति करते हैं, नेता लेकर नहीं। तो कौन आएगा कौन चला जाएगा इसमें कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इनका आयाराम गयाराम वाला कहानी है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, इनको सुविधा जहां मिलेगी वहीं रहेंगे। और उन्होंने पहली बार ये चुनाव जीता है, चुनावी राजनीति में पहली बार वो चुनाव जीते हैं, और वो भी बीजेपी के सिंबल पर। अगर वो उनको जाना ही था तो कम से कम रिजाइन दे के जाते हैं। 2024 में आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा दाव लगाया था, लेकिन नतीजों ने उसे निराश कर दिया। अब दीदी की सारी कोशिश बंगाल में बीजेपी को पीछे ढकेल कर बंगाल की सियासत पर एकाधिकार करने की है, जिसका फायदा दीदी को अपने मिशन दिल्ली में मिल सकता है। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्र के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक।